आपके बच्चों का होता वो लोग बहुत पैसा बचेंगे स्टेट, और उनको पैसों की जरूरत है। एससी एसटी का 11,000 करोड़ का फंड दे आर यूटिलाइजिंग इन दैट 5 गारंटी कार्ड में चीफ मिनिस्टर, अब उनको और फंड की जरूरत है। मेरे को ये बात का डर हो रहा है कि ये लोग स्टूडेंट का पैसा, स्टूडेंट की स्कॉलरशिप भी इसलिए यूज करने के लिए दे हैव गिवन ए डेडलाइन ऑफ 4 डेज ओनली। ये जो कर रहे हैं इतना पब्लिक परेशान होकर जो कर रहे हैं, आना वो पड़ा स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप हर बच्चे का आना, जितने भी हैं रिजेक्ट भी हैं और जो भी हो रहा प्रोसेस पूरा वो पूरा करना। वो डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो हम प्रोटेस्ट करने वाले, पूरा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट बंद कर देने वाले। पूरे स्टूडेंट्स की पावर आपको नहीं मालूम अभी, जब हम करेंगे ना आपको जब मालूम होगा, आपको बोल रहे हम डेट एक्सटेंड करो नहीं तो हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। इतनी भीड़ लगाने से क्या फायदा है? अपने अपने स्कूल का जो इदारा अपने स्कूल का है, मैं अपने स्कूल में ये करना, इतनी दूर पब्लिक को बुलाने से फायदा क्या है? ये भीड़ लगाकर फायदा क्या है? हाँ बच्चे दुनिया की तबीयत खराब हो रही, सुबह से खाना नहीं पानी नहीं से बैठे हुए हैं बच्चे। हाँ स्कूल के सरों को, टीचरों को और यहाँ के MLA जो है उनको तो पहले मालूम है ना नहीं। ये बच्चियाँ जो छोटे छोटे हैं आकर जो ठहरे हुए हैं यहाँ सुबह से, इसके क्यों जिम्मेदार है? बच्चे तबीयत खराब, जो मीडियम के स्कूल को कोई नहीं पूछता, मीडियम के वो स्कूल में बराबर काम कर रहे हैं। सिस्टम कैसा सिस्टम है, कितना पब्लिक कैसा बराबर लाइन है स्कूलों में, ये उर्दू मीडियम के स्कूल को क्यों इतना कम समझते? मुस्लिम कोई नहीं है क्या? हाँ मुस्लिम लीडर हो कुछ फायदा क्या है? कौन सा मुस्लिमों का साथ दे रहे? इंग्लिश मीडियम कन्नड़ मीडियम ज्यादा है क्या? उर्दू मीडियम की कोई वैल्यू नहीं है? ये जो कर रहे हैं इतना पब्लिक परेशान होकर जो कर रहे हैं, आना वो पड़ा स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप हर बच्चे का आना, जितने भी हैं रिजेक्ट भी हैं और जो भी हो रहा प्रोसेस पूरा वो पूरा करना। वो इतने दिन से कांगे थे, खाली 4 दिन में इतने बच्चों का होता, कितने बच्चे कितने बैलेंस भरे हुए हैं, ये होता 4 दिन में नहीं होता? ये बीपी वाले हमारे को भी सब घर छोड़ को, काम छोड़ को, हाँ हम भी तरफ कारोबार, बच्चे छोटे बच्चे घरों में छोड़कर ये इनके पीछे लगना, हाँ भरोसा क्या है ये इसका? पूरे स्कूल वाले पूरे मिलकर बोलना गवर्नमेंट से कि डेट बढ़ाओ और बच्चों को सहूलत दो इसकी, बस और कुछ नहीं होना हमारे। स्कॉलरशिप का ये चल रहा है, ये बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं यहाँ पे। बहरहाल हमारी एक रिक्वेस्ट है यहाँ के MLA से और प्रशासन से, इसका मसला जो भी है और इसका जो डेट अनकरीब है इसको आगे और बढ़ा के है ना, इसका मसले का हल करना है। स्कॉलरशिप के लिए आए सो है, सुबह से आके ठहरे यहाँ पे, कुछ भी काम नहीं हो रहा। अगर ठहरे, अगर जाके थम लगाए ना, ये टेबल से वो टेबल को जॉब बोल रहे, खाली इतना कर लेते बैठना, क्या कॉलेज है हमारे? और इतनी धूप में आके ठहरना पड़ रहा, एग्जाम्स भी है, एग्जाम्स छोड़ के सब आना पड़ रहा हमारे को, और 4,000 स्टूडेंट्स है, 4 ऑपरेटर्स है, ये ऐसा होता क्या? डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो हम प्रोटेस्ट करने वाले, पूरा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट बंद कर देने वाले। पूरे स्टूडेंट्स की पावर आपको नहीं मालूम अभी जब हम करेंगे ना, आपको जब मालूम होगा, आपको बोल रहे हम। आप बताइए मुझे, गुलबर्गे में कर्नाटक में 3.5 लाख स्कॉलरशिप अप्लाइड स्टूडेंट है और गुलबर्गे में 30,000 स्टूडेंट है, एज पर अवर कैलकुलेशन 30,000 स्टूडेंट, जिसमें से कल तक सिर्फ 3,000 बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यहाँ पर हुए, 3,000, दैट्स मीन अभी 25-26,000 बाकी है। और हुकूमत की तरफ से जो डेट आई, द डेट इज़ लास्ट 20 अगस्त, 28 दिन, बोलो 4 वर्किंग डे बचे, 4 वर्किंग डे में ये लोगों को 25-26 हज़ार स्टूडेंट को कवर करना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और ये CSE सेंटर DO जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, ही हैज़ ओनली 20 लॉगिन आईडी दिया है, आई थिंक लेस देन 20 लॉगिन आईडी दिया है ये, जबकि ही हैज़ अ कैपेसिटी टू गिव मोर देन लाइक 70-80 दे सकता। एग्जाम्पल आपको दक्षिण कर्नाटक का मैं बताता हूँ, दक्षिण कन्नाड़ा में 36,000 स्टूडेंट है, 36,000 स्टूडेंट्स, और वहाँ पर 70 लॉगिन आईडी, वहाँ का CSE जो DO है 70 लॉगिन आईडी इश्यू कर वहाँ पर पूरे 36,000 स्टूडेंट को एड्रेस करा, तो गुलबर्गा का जो CSE ऑफिसर है वो क्यों नहीं कर रहा ये चीज़? इसके सिलसिले में हम लोग डिप्टी कमिश्नर तरामनंद मैडम से वी हैव मेट हर, और उनको हम एक मेमोरेंडम दिए, इन मेमोरेंडम यहाँ पर हम लोग वी हैव मेंशन ऑल द डिटेल्स कि भाई 15-20 लॉगिन आईडी लगकर यू कैनॉट
कवर टू ऑल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट। सेकेंड थिंग, हम लोग ये प्रे करें कि जो CSE सेंटर ऑफिसर है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है, 26-30 हज़ार स्टूडेंट के बीच में 15-20 लॉगिन आईडी देना, लॉजिक है ये, सेंस नहीं बनता ये। लॉजिकली अगर सोचा जाए बोले तो इसके पास आई डोंट नो हाउ ही इज ऑन दैट पोजिशन, ऐसे कम दिमाग ऑफिसर्स को पहले निकालना चाहिए। 1000 स्टूडेंट को एड्रेस करने के लिए 15-20 लॉगिन आईडी देता, ये ही हैज़ टू रिमूव फ्रॉम हिज पोजीशन। दिस इज़ व्हाट वी हैव डिमांड टू डिप्टी कमिश्नर कि पहले इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है, ब्रिंग सम पीपल। और सेकंड, 28 तारीख बोलो, 4 दिन बचे हुए हैं, डेट खत्म होने को आ रही, 15-20 लॉगिन से पीपल विल नॉट एड्रेस टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो वी हैव डिमांड टू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका टू एक्सटेंड द टाइम, जो मेमोरेंडम हम दिए हैं टू चीफ मिनिस्टर एंड माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर, उनको जो लेटर हम लोग दिए हैं मेमोरेंडम, वही इंसिस्ट करेंगे भाई डेट एक्सटेंड करने के लिए। और थर्ड, सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर, वी हैव लॉट ऑफ सर्वर प्रॉब्लम स्टूडेंट फेसिंग। तो सर्वर प्रॉब्लम के ऊपर द डिपार्टमेंट हैज़ टू वर्कआउट ऑन सर्वर प्रॉब्लम। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, मिस्टर जावेद से मेरी मुलाकात हुई, ही इज हेल्पलेस अंटिल CSE ऑपरेटर इनको यूजर आईडी, लॉगिन आईडी सिस्टम ऑपरेटर नहीं देगा, ही इज हेल्पलेस, ही कैनॉट डू एनीथिंग। तो सिस्टम ऑपरेटर इज बिकमिंग कल्प्रिट हियर एंड वी वॉन्ट डिपार्टमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दैट CSE डिस्ट्रिक्ट ऑपरेटर। सर यहाँ पर गुलबर्गा में पीपल आर नॉट सीरियस, एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट सीरियस इन एजुकेशन, और MLA MP ये लोग सीरियस नहीं है सर बच्चों की तालीम और एजुकेशन को लेके, जबकि यही बच्चे हमारे आने वाले फ्यूचर हैं, हमारे बच्चे यही बच्चे हैं जो कर्नाटक, गुलबर्गा, कर्नाटक और इंडिया को आगे बढ़ाएंगे, यही बच्चे। और यहाँ पर एजुकेशन रेशियो, लिटरेसी कम होते जा रहा, अगर आप रेशियो निकाल के देखेंगे तो कर्नाटक में 14% रेशियो घट गया एजुकेशन में आज। एंड दिस पीपल, ये कांग्रेस गवर्नमेंट है, दे आर स्पीकिंग अबाउट लाइक 5 गारंटी कार्ड है। मेरे को तो ऐसा लगता है सर कि 4 दिन में 24,000 स्टूडेंट्स को यहाँ कवर नहीं कर सकते, यहाँ से 20,000 हर डिस्ट्रिक्ट से 20,000 अगर पकड़ेंगे, दे विल सेव लॉट ऑफ मनी इन माइनॉरिटी इन स्कॉलरशिप, वो लोग बहुत पैसा बचेंगे स्टेट, और उनको पैसों की ज़रूरत है। SC ST का 11,000 करोड़ का फंड दे आर यूटिलाइजिंग इन दैट 5 गारंटी कार्ड में, चीफ मिनिस्टर, अब उनको और फंड की ज़रूरत है। मेरे को ये बात का डर हो रहा है कि ये लोग स्टूडेंट का पैसा, स्टूडेंट की स्कॉलरशिप भी, इसलिए यूज़ करने के लिए दे हैव गिवन ए डेडलाइन ऑफ 4 डेज होंगे। तो ये सब हम होने नहीं देंगे, बच्चों के करियर साथ खेलेंगे तो जनता परिवार नहीं छोड़ेगी साहब। आज हम जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से जो DC ऑफिस को आए हैं, जो मेन रीज़न है उसका, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप NSP स्कॉलरशिप को लेके एक नया अपडेट लाई है, जिसमें क्या है, जो भी स्टूडेंट्स इसको एलिजिबल है या फिर स्कॉलरशिप के वास्ते अप्लाई करे, वो लोगों को अपना बायोमेट्रिक अपडेट करना है। तो बायोमेट्रिक अपडेट करने के वास्ते सब स्टूडेंट्स को यहाँ पे आना पड़ रहा है DC ऑफिस में। 26,000 पूरे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स है, और कल का अगर हम ये निकालेंगे तो खाली 3,000 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ है, अभी पेंडिंग 23,000 स्टूडेंट्स का पेंडिंग स्कॉलरशिप का एनरोलमेंट बचा है। तो जो भी हम चाह रहे हैं, अब बोले तो ये CSE ऑफिसर्स जो वर्क कर रहे वो इंक्रीज़ करना, और स्टाफ जो भी है एक गाइडेंस के वास्ते, स्टूडेंट्स बहुत पैनिक हो रहे हैं यहाँ पे आके, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी बाजू से तालुका से भी आ रहे हैं, उनको एक गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं है कि कहाँ हो रहा काम। और हम बाजू जो देखते हैं हमारे जवरगी में, सेडम में और चिंचोली में, वहाँ पे अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है ये बायोमेट्रिक लेके। टोटल ओवरऑल कर्नाटक में 3,50,000 स्टूडेंट्स है, और इसकी लास्ट डेट जो है 28 है, फिलहाल यहाँ से 3 दिन है, 3 दिन में हमारे 23,000 स्टूडेंट्स को कवर करना है। और जो यहाँ के CSE ऑफिसर है प्रणीत, उनको क्या है, हम ऑलरेडी कॉन्टैक्ट भी करे, उनको बोल रहे हैं कि CSE ऑफिसर्स बढ़ाइए, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हम समझते हैं ये टोटली एक गवर्नमेंट का एक प्लान ये है कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप से दूर हटा के उनके एजुकेशन में उनको प्रॉब्लम क्रिएट करके उनको ड्रॉप आउट करना। वो नहीं चाहते कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स आगे बढ़े, स्कॉलरशिप हासिल करे और अपनी ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल करे। हम जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से ये डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड करना, और CSE ऑफिसर जो भी है उसको इंक्रीज करना। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक। 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।